CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम पानी के रूप। आलेख मधुपंत का है और प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। ये उस चीज की कहानी है जो छूने से बहुत ठंडी लगती है। समझ गए ना कौन सी चीज की कहानी है? हाँ, बर्फ की। अच्छा भाई, जरा ये बताओ कि बर्फ को अगर कुछ देर धूप में रख दें तो क्या होगा? हाँ, बर्फ पिघलकर बन जाएगी पानी। और अगर पानी को गर्म करो तो क्या होगा? भाई, पानी को गर्म करो तो भाप बन जाएगी, है ना? इसी तरह भाप को ठंडा करें तो बन जाएगा पानी, और पानी को ठंडा करें तो फिर से जम जाएगी बर्फ। तो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक बर्फ के टुकड़े की कहानी सुनाऊंगी। लो सुनो। एक था बर्फ का टुकड़ा। वो टुकड़ा रहता था ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। वहां खूब ठंडी ठंडी हवा चलती थी। बच्चों, उस बर्फ के टुकड़े की एक दोस्त भी थी, किरण। हाँ, किरण बर्फ के टुकड़े के साथ खेलती थी। किरण को देखते ही बर्फ का टुकड़ा खुशी से चमक उठता और खुश होकर गाने लगता। आओ नन्नी किरण सलोनी, मिलकर खेलें आंख मिचौली। आओ नन्नी किरण सलोनी, मिलकर खेलें आंख मिचौली। एक दिन की बात है, बर्फ के टुकड़े ने किरण से पूछा। ए किरण, तुम तो इधर उधर घूमती फिरती हो, जरा मुझे भी बाहर की सैर करा दो ना। मैं भी घूम घूम कर नई नई चीजें देखूंगा। बर्फ के टुकड़े की बात सुनकर किरण बोली, अरे बर्फ के टुकड़े, घर से बाहर की चीजें देखने के लिए तुम्हें पहाड़ों से नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ, अकेले घूमना पड़ेगा। पर बर्फ के टुकड़े ने तो तय कर लिया था कि वो जरूर घूमने जाएगा। एक दिन वो बर्फ का टुकड़ा चुपके से निकल पड़ा अपने घर से बाहर घूमने। उसने चुपके से चारों ओर झांका और सबकी नजर बचाकर पहाड़ों से नीचे उतरने लगा। कुछ नीचे आकर उसने देखी नई नई चीजें, तरह तरह की चिड़ियां, जानवर, पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फूल, तितलियां और कल कल करते झर झर बहते झरने। बच्चों, बर्फ के टुकड़े को बड़ा मजा आया। वो बहुत खुश हुआ और गाना गाने लगा। दुनिया की मैं सैर करूंगा, खूब घूमने जाऊंगा, घूम घाम के वापस आकर घर आकर सो जाऊंगा। ये गाना गाते वो हंसता किलकिलाता नदी तक पहुंच गया। लेकिन बच्चों, मालूम है फिर क्या हुआ? अरे, उसका शरीर तो पिघलने लगा। अब वो डर गया और घबराकर नदी को आवाज देने लगा।
नदिया रानी मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। नदिया रानी मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। बर्फ के टुकड़े की बात सुनकर नदी बोली, नहीं बर्फ के टुकड़े, मैं तुम्हें वापस नहीं पहुंचा सकती। मैं तो केवल ऊपर से नीचे उतर सकती हूँ, लेकिन नीचे से ऊपर मैं जा ही नहीं सकती। नदी की बात सुनकर बर्फ का टुकड़ा और भी डर गया। नदी के साथ ही साथ हवा भी बह रही थी। बर्फ का टुकड़ा हवा से बोला, हवा सयानी मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। हवा सयानी मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। बर्फ के टुकड़े की बात सुनकर हवा बोली, बर्फ के टुकड़े, तुम तो मुझसे बहुत भारी हो, मैं तो तुम्हें उठा ही नहीं पाऊंगी। हवा की बात सुनकर बर्फ के टुकड़े को रोना आ गया। बच्चों, नन्हे मुन्ने बर्फ के टुकड़े का रोना बादल ने भी सुना। उसने बर्फ के टुकड़े से कहा, ओ नन्हे बर्फ के टुकड़े, इस तरह रोते रोते तो तू बिल्कुल ही पिघल जाएगा और बन जाएगा पानी। अगर तुझे अपने घर जाना हो तो सूरज दादा से कह, वही तुझे अपनी गोद में उठा सकते हैं। अगर सूरज दादा तुझे हल्की हल्की भाप बना दे तो हवा तुझे मुझ तक पहुंचा देगी, और फिर मैं उस भाप को ठंडा करके तुझे उड़ा ले जाऊंगा पहाड़ों में, और ठंडा करके बना दूंगा फिर से पानी, और पानी से बर्फ। बादल की ये बात सुनकर बर्फ का टुकड़ा चिल्ला चिल्ला कर सूरज दादा से बोला, सूरज दादा मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। सूरज दादा मुझे बचाओ, वापस मुझको घर पहुंचाओ। बच्चों, याद है ना, बर्फ के टुकड़े की एक दोस्त भी थी। किरण, उस किरण ने भी बर्फ के टुकड़े की आवाज सुनी। उसने जल्दी से सूरज से कहकर सूरज की खूब सारी बड़ी बड़ी किरणों को नीचे भेज दिया। अब तक बर्फ का टुकड़ा पिघलकर बन गया था पानी। सूरज की किरणों ने उस पानी को अपनी गर्मी से बना दिया भाप, और फिर उस भाप को गोद में उठाकर दे दिया हवा को। हवा ने उसे दिया बादल को। बादल ने झटपट उस भाप को ले लिया और अपनी गोद में उठाकर चला पहाड़ों की ओर। पहाड़ों पर पहुंचते पहुंचते भाप ठंडी होकर बन गई पानी। बादल गरज उठे, और वर्षा होने लगी। बच्चों, पहाड़ों पर इतनी ठंड थी कि बरसात का पानी बर्फ बनने लगा। पहाड़ों पर बर्फ की वर्षा होने लगी। बर्फ का टुकड़ा इस तरह अपने घर पहुंच गया और गाने लगा, कितना अच्छा मेरा घर है, सबसे अच्छा मेरा घर है,
कितना अच्छा मेरा घर है, सबसे अच्छा मेरा घर है। बच्चों, ये थी बर्फ के टुकड़े की कहानी। देखा, बर्फ का टुकड़ा पिघलकर बना पानी और पानी से बना भाप, भाप से फिर पानी बना और पानी से फिर बन गया बर्फ। बच्चों, बर्फ, पानी और भाप तीनों एक ही चीज के तीन रूप हैं। अच्छा, आओ बच्चों, हम सब मिलकर एक गाना गाएं। जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी, जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी। ढूंढ नहीं पाओगी अम्मा अगर कहीं बन जाऊं पानी, तो तुम्हें याद हो गया, अब आगे सिखाए। हाँ दीदी। जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी, जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी। अगर पकड़ भी लो तुम मुझको, अगर पकड़ भी लो तुम मुझको, कब मैं झटपट गल जाऊंगा, कब मैं झटपट गल जाऊंगा। फिसल हाथ से टपक टपक कर पानी बन कर बह जाऊंगा, फिसल हाथ से टपक टपक कर पानी बन कर बह जाऊंगा। जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी, जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूंगा मैं शैतानी। फिर भी तुम पहचान गई तो, झट से बन जाऊंगा भाप, झट से बन जाऊंगा भाप। मुझे ढूंढती रह जाओगी उड़ जाऊंगा मैं चुपचाप, मुझे ढूंढती रह जाओगी उड़ जाऊंगा मैं चुपचाप। जादू अगर मुझे आ जाए खूब करूं। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।